शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नारायण नारायण प्रभु, जिन आधार्मिक कार्यों को मिटाने के लिए प्रभु कान्हा का संसार में अवतार हुआ है, यदि इंद्रदेव के भय से उनकी मानसिक यातना के कारण यदि मैया यशोदा उन्हीं कार्यों को करेगी तो अनर्थ हो जाएगा महादेव। देव ऋषि, यही तो माँ की ममता होती है। और धर्म अधर्म, पाप पुण्य सबसे परे होती है। माँ के लिए यदि महत्व होता तो केवल उसकी संतान का। माँ का पूरा जीवन अपने संतान के लिए समर्पित होता, और आज मैया यशोदा उसी समर्पण, उसी मातृत्व धर्म का पालन कर रही है। गोपाल, तुम संसार की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करते हो, इतने बड़े बड़े असुरों का वध करते हो, फिर तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। मैया मुझसे बात नहीं कर रही है और तुम्हें ये छोटी बात लगती है? गोपाल, ये है तो बहुत बड़ी बात, पर इसके पीछे का कारण अत्यंत छोटा है। वो क्या राधा? ये कि इंद्रदेव ने अवश्य ही यशोदा काकी को कोई भय दिखाया होगा। भय? हाँ गोपाल, और एक माँ अपने संतान से बात ना करे, इसके पीछे एक ही भय हो सकता है, संतान पर संकट का भय। तुम सत्य कह रही हो राधा, मैया कभी मुझे अपना भय नहीं बताती, और ऐसी बातें अपने हृदय में छुपा कर रखती है। अवश्य इंद्रदेव ने उन्हें मुझ पर कोई संकट डालने की बात कही होगी, तभी वो उन्हें इंद्र पूजा के लिए तैयार हुई होगी। पुष्पा, पंडित जी को इंद्र पूजा की सूचना दे दी तुमने? जी नंदरानी। बस एक बार इंद्रदेव की पूजा हो जाए, फिर सारे संकट टल जाएंगे, और मेरे लल्ला के जीवन पर जो संकट है वो भी नहीं आएगा। नंदरानी, नंदरानी, ये गोवर्धन पूजा तो हो गई, अब किस पूजा की तैयारी चल रही है? इंद्रदेव की। मैं इंद्रदेव की पूजा करने जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो नंदरानी? कान्हा ने तो पूजा करने से मना किया है ना इंद्रदेव की? कान्हा का निर्णय कान्हा जाने, ये मेरा अपना निर्णय। पर ये तो अधर्म होगा नंदरानी। आप लोगों को जो सोचना है वो सोचिए, पर मैं अपना निर्णय अब नहीं बदल सकती। नंदरानी, इंद्रदेव की पूजा का विरोध आपके घर से आरंभ हुआ, आपके लला ने अधर्म करने से रोका, और आप स्वयं ही इंद्रदेव की पूजा करेंगी, लोगों का विश्वास धर्म में और पर्वतराज गोवर्धन में कैसे शेष रहेगा? वो आप लोगों की समस्या है, मेरी नहीं। मुझे जो आवश्यक लगा वो मैं करने जा रही हूँ। अभी बहुत कार्य शेष है, आज्ञा दीजिए। लगता है अब हमें कान्हा से ही बात करनी पड़ेगी। चलो, कान्हा को सूचित करना होगा, उसके घर में ये अधर्म हो रहा है। चलो। पर राधा, अब मैं क्या करूं? कैसे दूर करूं मैया के इस भय को? गोपाल, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि प्रेम के सम्मुख ना तो कोई संकट ठहरता है और ना ही कोई भय। इसलिए तुम्हें भी यशोदा काकी को प्रेम से ही समझाना होगा। अपनी ममता के कारण ही तो मैया सत्य को देख नहीं पा रही। गोपाल, इंद्रदेव ने यशोदा काकी की जिस ममता का सहारा लिया है, उन्हें भयभीत करने के लिए तुम्हें उसी प्रेम और ममता को उनका बल बनाना होगा। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में लघु रूप में माता सीता के सम्मुख गए थे, तब माता सीता भी उन्हें देख कर चिंतित हो उठी थी कि इतना छोटा सा कपि इतने बड़े बड़े असुरों का सामना कैसे करेंगे। तब हनुमान जी ने माता सीता को अपना शक्तिशाली रूप दिखाया था। उसी प्रकार तुम्हें भी यशोदा काकी को अपना वो पक्ष दिखाना होगा, जिससे वो इंद्रदेव का भय भूलकर तुम पर भी वैसे ही विश्वास कर सके जैसे हम तुम पर करते हैं। काना, नंदरानी, तुम्हारी मैया। क्या हुआ मैया को? वो सबके मना करने के पश्चात भी इंद्रदेव की पूजा करने जा रही है काना।
गोपाल, अब तुम्हें यशोदा काकी को ये अधर्म करने से रोक सकते हो, इसलिए जाओ गोपाल, शीघ्रता करो। राधा, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे मैया के इस भय को दूर करना है। चलो काका। गोपाल, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है, जैसे तुम सारे संकट दूर कर देते हो वैसे ही तुम इस संकट को भी अवश्य समाप्त कर दोगे। पुष्पा, कल ब्रह्म मुहूर्त पे हमें इंद्र पूजा आरंभ करनी ही होगी, इसलिए मैंने सारी तैयारियां करके रखी है, और हाँ, मैंने वस्तुओं की सूची भी बना के रखी है, जाओ जाके ले आओ। सुंदर, तनिक शीघ्रता से इंद्रदेव की प्रतिमा निर्माण करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। नंदरानी, प्रतिमा बन रही है, थोड़ा समय लगेगा। इंद्रदेव की प्रतिमा निर्मित हो रही है, पूजा की तैयारी चल रही है, इसका अर्थ है कि आपका निर्णय अटल है मैया, आप इंद्रदेव की पूजा अवश्य करेगी। कान्हा, मैं जानती हूँ कि तुम इंद्रदेव की पूजा नहीं करना चाहती, जैसे कि तुम मेरी बात नहीं सुनते वैसे मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैया, अपने लल्ला को भोजन तो कराओगी ना, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। लल्ला, जो भोजन तुम छोड़कर गए थे वो अब भी वहाँ रखा है, जाओ और जाकर भोजन कर लो। पर मैया, मैं आपके हाथों से केवल भोजन करता हूँ ना। पर अभी मेरे पास समय नहीं है कान्हा, देख रहे हो ना मैं कितनी व्यस्त हूँ, जाओ जाकर भोजन कर लो। मैं समझ गया मैया, आप मुझसे इतना कठोर व्यवहार इंद्रदेव की पूजा के लिए कर रही हो ना। तो ठीक है मैया, आपको इंद्रदेव की पूजा करनी है ना, तो कीजिए, क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर अपनी मैया को दुखी नहीं देख सकता। देखा देवगण, अंततः काना को अपने मैया की बात माननी ही पड़ी, अपनी हट को त्याग कर इंद्र का देवत्व स्वीकार करना ही पड़ा, क्योंकि इंद्र ही है सर्वशक्तिशाली, इंद्र ही सर्वत्र है और इंद्र ही सर्व पूजनीय। और जब कान्हा स्वयं मेरी भक्ति करेंगे, इस समस्त संसार को मेरी पूजा करनी ही होगी। मैया, अब तो कराओगी ना अपने लल्ला को भोजन अपने हाथों से, क्योंकि अब तो मैंने इंद्रदेव की पूजा के लिए हामी भर दी है। कान्हा, सारे निर्णय तो तुम स्वयं करते हो, तो स्वयं भोजन नहीं कर सकते? क्योंकि मैया, आपके हाथों से भोजन करने में स्वाद आता है। पर आज तुम्हें स्वयं ही भोजन करना होगा कान्हा, जाओ। मैया, फिर मैं भी आपका दिया हुआ भोजन नहीं करूंगा, फिर मेरी जो इच्छा होगी, जो मन होगा वो खाऊंगा। जो तुम्हारा मन करता है वो तुम करो, मुझे पूजा की तैयारी करने दो। पक्का ना मैया? हाँ पक्का, अब जाओ यहाँ से। मैया, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि आप मुझे अपने हाथों से भोजन नहीं कराओगी तो मेरी जो इच्छा होगी मैं खा लूंगा। कान्हा, तुम क्यों मेरा समय नष्ट कर रहे हो, तुम्हें जो करना है करो और मुझे मेरा कार्य करने दो। ठीक है मैया, आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करता हूँ।
नंदरानी काना मिट्टी खा रहा है। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल सिर्फ शिमालू टीवी पर।